Okay, CNN live. Come on, start. इसको क्या कहते हैं? अच्छा जी, अब हम आ गए हैं. उससे ज़्यादा खूबसूरत व्यू इधर. अच्छा, ये बहुत खूबसूरत तरीका आप देख सकते हैं सामने. ब्यूटीफुल. और उसके बाद बहुत सन्नाटा यहाँ पे. कैंपिंग देख सकते हैं यहाँ पे. जितना एरिया देख रहे हैं यहाँ पे साइड पे, जितना एरिया यहाँ पे इसके अंदर लोग कैंपिंग करते हैं. आप वहाँ से धुआं भी देख सकते हैं उठते हुए. और ये पानी बहुत क्लियर है. राइड एक्सप्लेन करें, कैसी लगी था आपको यहाँ की आने की राइड? एनवायरनमेंट लाइट यहाँ की, मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, अमेजिंग. कोई मतलब बेटा इतनी दूर जाओगे तो आवाज़ भी नहीं आएगी. अब बाद में ऐड कर लेना. ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया. अच्छा जी, आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नेशनल फॉरेस्ट दिखने में ज़रा कितना ख़तरनाक है. मतलब आप देखें इसकी जो एंट्रेंस है ना, आपको यहाँ पर तो मतलब थोड़ा सा आपको फील होगा कि मतलब आप ऐसे मालदीव टाइप जगह में आ गए, क्योंकि आपको पानी में ब्लू ब्लू हर तरह ज़रा. बट आप इधर हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा. ये देखें ज़रा, ठीक बाइक सर उधर ब्रो. So you're telling people what a tree is? भाई मेरा देसी चैनल है, देसी उर्दू में चलेगा. ओके, चेक करें जरा सीन. देखा जरा कितना आपको एकदम. ये इन्होंने ये देखिए नेशनल फोर्स में उन्होंने ग्रिल्स लगाई हैं. देखो बताओ ग्रिल्स के बारे में, बताओ ना. जो जमीन में ग्रिल्स लगाई हैं उन्होंने, कोई भी है. देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ग्रिल्स लगाई हैं, वो देखें. वहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है. कोई भी आके यहाँ पे बादल कर सकता है, मुझे भी देखें. कोई भी आके यहाँ पे अपना कुछ भी किसी किस्म की अपनी एक्टिविटी कर सकता है. लोग यहाँ पे आके पिकनिक करते हैं, लोग यहाँ पे आके अपना फैमिली के साथ स्टे करते हैं. बल्कि तीन तीन दिन यहाँ पे आके अपने कैंपिंग करके स्टे करते हैं. वो देखें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियाँ वाले, वो उधर कुछ उन्होंने कैंप लगाए हैं, उधर स्टे कर रहे हैं अपना. वो ऐसा ही है, बहुत बड़ी जगह है. उसके अंदर ये है लेक. मुझे इस तरह का ना इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, जब जहाँ पर आपको ना आपको ऐसे ज़रा एक फॉरेस्ट टाइप का जो है ना आपको एक व्यू मिले. जी तो इस वक्त अब हम लोग वापस से निकल रहे हैं. मज़ा तो बहुत आया खैर, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी हुई हम लोगों को. भूख की वजह से हम लोग अपना क्या कहते हैं वापस जा रहे हैं लेवनवर्थ. लेवनवर्थ में बहुत सारे क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी हैं. मैंने एक बार पहले व्लॉग भी बनाया हुआ और फिर अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं और कुछ खाने के लिए आए हैं. बहुत भूख से इस वक्त बुरा हाल है. बट लुक एट द व्यू इन माय बैग, लुक एट द व्यू. बहुत खूबसूरत जगह, ब्यूटीफुल. अंदर आए हैं रोटी खाने के लिए. रोटी से तो भाई बहुत भूख लगी है. सो गाइस नाइस, सो वी गोना गिव अ ऑर्डर हियर. हर्ष भाई, डिड यू डिसाइड व्हाट यू गोना ऑर्डर? आई हैव नॉट, बट आई जस्ट स्टार्ट. ओके, आई नीड अ लॉट. अभी जिंदगी में इस तरह ट्रिप्स करके मैंने मतलब जो होते हैं छोटी छोटी जगहों पे मैंने खाना नहीं कभी खाया हुआ. भाई मेरा यूजुअली करता रहता है इस तरह के, तो इसलिए मेरा पहला एक्सपीरियंस है. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मेरी एक्साइटमेंट देख कर आप काफ़ी कुछ फील कर सकते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ. बट ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चाह रहा था कि मैं इस तरह का कोई ट्रिप करूँ. अब ये देखें ज़रा, ये डिफरेंट डिफरेंट राइवलरी स्टोरीज हैं कुछ विद द पिक्चर्स. यहाँ पे बहुत अरसे पहले 1917 में क्या होता था, 1985 में जब ये जगह बिल्ड हो रही थी. अमेजिंग. मज़े की बात यह है कि खाना बहुत ज़्यादा था और बहुत मज़ेदार था. मैंने ज़्यादा पूरा नहीं खा सका. अभी हमारा डिसाइड हुआ कि हम लोग रात को बॉनफायर करेंगे बाहर, और बॉनफायर के साथ हम लोग
अपनी कपेशों पे मारेंगे और बस अब फिर वापसी इंशाल्लाह। देर से चलाते हुए आ रहे थे हम लोग और हम लोग थक चुके हैं, टांगों के नीचे पूरी साइड पे दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। अरे स्टेडियम हम लोगों ने ब्रेक लगाई है, देखें सारे लेटे हैं हम लोग, वो हमारी बाइक से अभी मैं बस अपना क्या कहते हैं सो गया था साथ, अभी बस उठे हम लोग अपना बॉन फायर करने लगे हैं। हाँ जी बस जा रहा हूँ, कुछ खाना छाना खा के हम लोग यहाँ पे बॉन गए। रिक्शे पे बैठा के पूरा घुमाऊंगा तो फिर यही होना। थोड़ी ठंड हो गई है और हम लोगों ने बॉन फायर लगा लिया है, मतलब आग जला लिया, लेकिन मसला ये कि इस आग का ना धुआं बहुत उठ रहा है, मतलब स्मेल और आँखों में मिर्चें बहुत दे रहे हैं। तो सोच रहे हैं हम लोग कि ना इसी में हम लोग कोयले डाल लें और ताकि जो है ना वो भी जल के रेडी हो जाए और हम लोग उससे जो है ना ज़रा थोड़ा रात को इंजॉय करें। ये चेक करें कितना धुआं उठ रहा है, धुआं जो है ना आँखों में जा रहा है, और यही धुआं अगर अंदर चला गया ना तो अलार्म ने हमारी एसी की तैसी फेर देनी है, बहुत ऊंचा अलार्म बजेगा। अच्छा जी, जो मैं अंदर कोयले ढूंढने के लिए गया तो मुझे ये पता लगता है कि हमारे पास कोयले भी ख़त्म हैं, बट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियाँ पड़ी थी जिसको जलाने के बाद हमें एटलीस्ट इतना फ़ायदा हुआ कि वो धुआं नहीं उठ रहा था जिससे हमारी आँखों में इरीटेशन हो रही थी। अच्छा जी, तो बारबेक्यू कंप्लीट हो गई है और हमारे प्रोफेशनल शेफ मोहम्मद हारिस वाक ने बनाया है। हारिस क्या क्या बताने, जरा जल्दी से बता दें। चिकन आ गया, ब्यूटीफुल सा चिकन हमने बनाया, ठीक है वो है, साथ अंडा बनाया हम लोगों ने, ग्रिल्ड अनियंस और साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। और ये मेरी प्लेट है और बाकी खैर से अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करते हैं।